मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी जगह कयासों के दौर चल रहे हैं। यही नहीं, जीतने की बात तो अलग, सरकार बनाने के दावे भी किए जा रहे हैं। बुधवार को इंदौर सहित पूरे प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुका है। 71% से ज्यादा के मतदान ने एक तरह से सभी पार्टियों को चिंता में भी डाल दिया है, क्योंकि ज्यादा मतदान किसके पक्ष में जाएगा और किसके खिलाफ ये कहना मुश्किल है। बहरहाल दोनों ही पार्टियों के नेता पदाधिकारी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसा ही दावा कांग्रेस के पूर्व पार्षद अनवर कादरी ने दोपहर न्यूज से हुई चर्चा में किया है। प्रथम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में खड़े हुए हैं, जहां मतदान पूरी तरह समाप्त हो चुका है और अब सिर्फ कयासों के दौर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व पार्षद अनवर कादरी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। अनवर जी, बताएं, अब चूंकि मतदान समाप्त हो चुका है और कुल मिला के क्या स्थिति है, विशेषकर क्षेत्र क्रमांक 3 की? देखिए, क्षेत्र क्रमांक 3 में ओवरऑल जिस तरह से जनता का जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला अश्विन जोशी जी को, और जो जनसंपर्क में और बाकी जगहों पर हमने देखा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। और कांग्रेस जो है ये सीट, मेरा ऐसा सोचना है कि 4000 से लेकर 20000 के बीच में कांग्रेस ये सीट जीतेगी। क्या कारण है जीतेगी, कि जीतने के जो मुख्य प्रमुख कारण, जो दो चार मुद्दे से? देखिए, जीतने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो महंगाई की वजह से जो जनता परेशान थी, और जो महंगाई के बाद में दूसरा मुद्दा ये था कि सामने जो है आकाश जी चुनाव लड़ रहे थे और गुंडों से जो है आम जनता को बचाना और चंदा और बाकी जो चीजें जो हमारे नारे बनाए थे, वो उन सबसे कहीं ना कहीं जनता को समझ में आया। और क्षेत्र क्रमांक 3 की जनता बरसों से उनको चंदा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में देती आ रही थी, और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है हमारे कैंडिडेट थे अश्विन जोशी जी, और ब्राह्मण समाज के जो 30,000 वोट है, वो 30,000 वोट हमारे फेवर में आएंगे। और वैश्य समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, अग्रवाल समाज नाराज था, और जो व्यापारी वर्ग पूरी तरह से इनसे असंतुष्ट था, और अल्पसंख्यक समाज ने पूरी तरह से 100% कांग्रेस को वोट किया है। चूंकि आप प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, एवं इंदौर के अलावा पूरे प्रदेश के अन्य जिलों की क्या स्थितियां रहेगी? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर हम 150 से ज्यादा सीटों से सरकार की बनाने की उसमें आ रहे हैं, और जनता के जो रुझान आ रहे हैं और जो सब दूर से खबरें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंदौर से ही जो 9 सीटों में से 7 सीट हम जीतने की उसमें है, मतलब 5 सीटें श्योर जीत रहे हैं और 2 सीट में टक्कर है और 2 सीट हम हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको नहीं लगता सेवा सरकार से 1 रुपए किलो में गेहूं और अनाज चावल वगैरह गरीबों को खिला रही है, 200 रुपए में मुफ्त बिजली बांट रही है, इसके अलावा संबल योजना है, ये इतनी सारी योजना है जिसे कांग्रेस लालची योजना भी कह रही है, लालच भी कह रही है, तो उसका क्या वोट बैंक में फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये जो योजना आप 1 रुपए किलो वाली बता रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने लागू की थी और केंद्र से इसका पैसा आता था। और बाकी जो जितनी भी आप चीजें संबल योजना बता रहे हैं, तो हम 2 बत्ती कनेक्शन तो फ्री दे रखा था दिग्विजय सिंह जी ने, ये 200 रुपए ले रहे हैं, इन्होंने तो एक लॉलीपॉप दिया संबल योजना देकर, और दूसरे 1 महीने बाद दूसरे मीटर लगा के वापस 4-5 हजार रुपए बिल आ रहा है। जनता वापस त्रस्त है, तो जनता ने वही तो गुस्सा निकाला उनके ऊपर कि आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से 4 गुना ज्यादा ले लिया। अच्छा, बाकी दूसरे विधानसभा क्षेत्र इंदौर में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि विशेषकर टोल को ठेले चालकों के साथ दुर्व्यवहार, ठेले तोड़ना और भी इसके अलावा कई मुद्दे रहे, तो उसका क्या कहेंगे कि किस तरह से असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा कि जो पूरे 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 शहर की हालत इन्होंने बदतर करके रख दी, जो इलाका तोड़ा फोड़ा, आम जनता को दिवाली पर नहीं छोड़ा, आम दिनों में नहीं छोड़ा, ठेले वाले जो गरीब मजदूर लोग हैं वो आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, वो क्या अपराध की दुनिया में जाएंगे, क्या करेंगे, उनका सारा अपराध रोजगार छीन लिया, पूरा शहर परेशान है। आप देखिए, नोटबंदी से लेके और बाकी चीजों से लेके, और ये पूरे नगर निगम के अधिकारियों को रंगकुश था, कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा जो है जनता ने कांग्रेस को वोट देकर इंदौर शहर में निकाला है। कुल मिला के दावों का यह दौर आगे भी जारी रहेगा, इसी तरह का दावा भाजपा भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, जनता का रुझान किस ओर है, या तो 11 तारीख के दिन ही पता चलेगा जब ईवीएम अपना असली राज खोलेगी। कैमरा पर्सन मित्र के साथ राजेश पिपलोदिया, डॉफ एन न्यूज, इंदौर।